हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। आज के वीडियो डिस्कस करें हम एमसीबी यूनिवर्सिटी के ओपन बुक सिस्टम के तहत जो होने वाली परीक्षा है फाइनल ईयर की, बीएड, एमएड, एलएलबी, एलएलएम, बीपीएड, पीजीडीसी, एमबीए, बीजेसी की, जो उसका न्यू टाइम टेबल आ चुका है। पहले दोस्तों आपको पता होगा टाइम टेबल जारी किया गया था 25 मई को, लेकिन दोस्तों उस टाइम टेबल को अब एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि उसमें कोई संशोधन कर दिया गया है। तो दोस्तों 29 मई को अब नया टाइम टेबल जारी किया गया है, तो अब ये नया टाइम टेबल ही हमारा वैलिड रहेगा, इसी के तहत हमारी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो कब से परीक्षा होने वाली है पूरी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पूरा टाइम टेबल डाउनलोड कर लिया है, महाराज छत्तीसगढ़ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का हमने पूरा टाइम टेबल डाउनलोड करके रखा गया है। और यहाँ पर जो संशोधित टाइम टेबल है रेगुलर का हम बात करने वाले, रेगुलर एटीकेटी ईएक्स के आ चुके हैं हमारे पास में टाइम टेबल। और यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट के, कौन कौन से कोर्सेज के यहाँ पर टाइम टेबल आया है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बी एड, एम एड, बी जे सी, एल एल बी, बी ए एल एल बी, एल एल एम, एमबीए चतुर्थ सेमेस्टर, साथ ही पीजीडीसीए, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और बीपीएड, इन जो 10 कोर्सेज हैं इन सभी 10 कोर्सेज के यहाँ पर टाइम टेबल आ चुका है। और इनके कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं यहाँ पर लाइन से यहाँ पर सब्जेक्ट भी दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इनके जो क्वेश्चन पेपर पहले 3 जून से स्टार्ट होने थे, 3 जून से इनके एग्जाम्स स्टार्ट होने थे, अब दोस्तों इनके एग्जाम की तारीख आगे बढ़ा दी, अब कब से स्टार्ट होने वाले हैं 10 जून, 15 जून, 18 जून, 15 जून, 21 जून, 18 जून, 21 जून। तो ये जो तारीख यहाँ पर दिखाई दे रही है, इन तारीखों को ये क्वेश्चन पेपर हैं वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, और ये क्वेश्चन पेपर एक साथ अपलोड किए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के एक साथ अपलोड किए जाएंगे। ओके, अब दोस्तों अपलोड होने के बाद में आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन पेपर को वहाँ से डाउनलोड करना है, सभी सब्जेक्ट के एक साथ आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपके कोर्स की जो भी यहाँ पर तारीख दिखाई दे रही है उन तारीखों में जाकर आपको अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है। आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज में जाकर के आपको अपने क्वेश्चन पेपर है उन सभी क्वेश्चन पेपर को एक साथ सबमिट कर देना है, जिस कॉलेज के लिए आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज में जाकर के। ओके, पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई, आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएंगे, डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, उत्तर पुस्तिका में लिखने के बाद में आपको क्वेश्चन पेपर है सबमिट कर देना है कॉलेज में जाकर के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के बाद में। ओके, कोई भी डाउट होता है कमेंट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वीडियो को इंपैक्ट करते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।